हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कुक इजी रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए केसर पेड़ा की रेसिपी। केसर पेड़ा बहुत ही आसानी से घर पर बन जाते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए इन पेड़ों को बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, इसे मैंने कढ़ाई में उबालने के लिए रख दिया है। हमें बर्तन मोटे तले का लेना है और जब दूध में उबाल आएगा इसे हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। पेड़े बनाने के लिए हम मावा भी घर पर ही बना रहे हैं, हम बाज़ार से मावा नहीं ला रहे हैं, हमने मावे को भी घर पर ही बनाया है। देखिए, इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम करते हुए, फिर से हाई करते हुए, ऐसे ही कम ज़्यादा करके दूध को सुखाएंगे और इसका मावा बनाएंगे। ये देखिए, दूध एकदम गाढ़ा हो चुका है। इसे अभी भी हम चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे और इसे यूं ही चलाते हुए और गाढ़ा करेंगे। 1 लीटर दूध में से 250 ग्राम 250 ग्राम मावा बनता है। ये देखिए, बिल्कुल मावे की फॉर्म में आ गया है। दूध हमारा बिल्कुल सूख गया है। देखिए, इसी तरह से दानेदार मावा हमारा बन जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी केसर। ये मैंने कुछ केसर के धागे दूध में भिगो के रखे थे, ये इसमें मैं डाल रही हूँ। इससे हमारे पेड़ों का कलर केसरी हो जाएगा। इसे भी हम अच्छी तरह से चला देंगे ताकि अच्छी तरह से मावे का कलर केसरी हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप शुगर। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। मैंने 1/4 कप चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम चलाएंगे। चीनी डालने के बाद एक बार फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और इसे हम फिर से चलाते हुए वापस थोड़ा गाढ़ा करेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें चलाते रहना है और इसे हम गाढ़ा करेंगे। ये देखिए, 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे चलाने के बाद हमारा मावा इस तरह से गाढ़ा हो गया है। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये मावा ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है हमें, थोड़ा सा गर्म हो। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ये 1 चम्मच इलायची पाउडर और मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर दिया है। अब हम इस मावे को अच्छी तरह से मैश करके एकदम चिकना कर देंगे। जब हमने मावा बनाया था तो वो दानेदार मावा बना था। अब इस मावे को हमें हाथों से मसलते हुए एकदम सॉफ्ट और चिकना करना है। 3-4 मिनट लगातार इसी तरह से मसलते हुए एकदम ये सॉफ्ट बन जाएगा मावा हमारा। ये देखिए, मैंने इसे लगातार 4 से 5 मिनट तक मसला है, ये एकदम सॉफ्ट और चिकना हो गया है। अब हम इसमें से पेड़े बनाएंगे। ये छोटे छोटे से पीसेस करके इस मावे के हमें रोल करके इसके पेड़े बनाने हैं। बहुत ही आसानी से इजीली बन जाते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। देखिए, इस तरह से पेड़े बना के बीच में छोटा सा छेद कर देंगे हम। इसमें अब थोड़ी सी पिस्ते की कतरन लगाएंगे, इसलिए इसमें थोड़ा ऊपर से छेद किया है। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर दूंगी। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, ये मैंने थोड़े से चपटे पेड़े बनाए हैं। ये मैंने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। इन पे मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी पिस्ते की कतरन लगा रही हूँ, इससे ये पेड़े और भी सुंदर दिखेंगे। ये देखिए, सारे पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बाजार जैसे स्वादिष्ट बनते हैं। इनको बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। घर पर हम इन्हें बिना मिलावट के बिल्कुल शुद्ध तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, पेड़े बनके तैयार हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बने हैं ये। पेड़ों को बनाने के बाद अगर हम 3 से 4 घंटे के बाद इसे खाएंगे तो ये और भी टेस्टी लगेंगे और एकदम सॉफ्ट बन जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।